तो जीन मैपिंग जो है आपका ये रिकॉमेंडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक मैप में अपन रिकॉमेंडेंट फ्रीक्वेंसी को यूज करते और फिजिकल मैप में नंबर ऑफ बेस पेयर से उसको डिनोट करते। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो जीन है आपका, ये बी जीन से कितना डिस्टेंस पे था, अपन बोलते हैं ये दोनों के बीच में 250 बेस पेयर का डिस्टेंस है। तो अगर ये अपन बेस पेयर बताते हैं तो ये अपना फिजिकल मैप हो गया। तो ये कौन सा मैप हो गया, फिजिकल मैप। बट अगर अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ए और बी इनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना रिकॉमेंडेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ते जाएगा, बराबर। जितना डिस्टेंस कम करोगे रिकॉमेंडेंट फ्रिक्वेंसी जो है ये कम होगा, आपका रिकॉम्बिनेशन के चांसेस आपके कम होंगे। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आपका अगर 15% निकल के आया है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है 15। तो 15 ये जो वैल्यू है इसको डिनोट किया जाता है बाय द सेंटी मॉर्गन, सीएम। सीएम मतलब सेंटीमीटर नहीं, सेंटी मॉर्गन, ठीक है। और 1 सेंटी मॉर्गन का मतलब होता है 1 मैप यूनिट और 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको तीन तरीके से लिख सकते हो, 15 मैप यूनिट और 15% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो 15% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आया तो उसको अपन 15 सेंटीमॉर्गन लिख सकते, या फिर 15 मैप यूनिट आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय दी मैप यूनिट और सेंटी मॉर्गन, ठीक है कि यहां तक। यहां तक ठीक है क्या? अच्छा अब देखो कि अगर आपके पास जो जीन है ए एंड बी इसके बीच में डिस्टेंस है 5 मैप यूनिट का, मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है दोनों के बीच में, 5%। इसको एमयू के जगह पे कोई कोई सेंटी मॉर्गन भी लिख लेता है, तो सीएम लिखा है तो वो सेंटी मॉर्गन हो जाएगा, ठीक है। बी एंड सी के बीच में 10 मैप यूनिट दिया है, ए और सी के बीच में 15 मैप यूनिट दिया है। तो आपको जेनेटिक मैप निकालना है कि ए बी एंड सी ये जीन आपके कहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अब देखो कि ए जो है ये बी से कितने डिस्टेंस पे है, तो वहां पे डिस्टेंस कितना लिखा है, 5 मैप यूनिट का। तो जैसे ये ए लिखा अपन ने, तो ए और बी इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 5 मैप यूनिट, बराबर। बी और सी के बीच में कितना दिया है, 10 मैप यूनिट, ठीक है क्या। तो ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा, 15। 15। तो यहाँ पे 15 दिया है, बराबर है। हाँ तो ये जो आपका मैप अपन ने निकाला है इसको बोला जाता है जेनेटिक मैप बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है क्या। बट हर बार प्रॉब्लम ऐसे नहीं आते, ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। ये समझ में आएगा ये बताओ पहले, उसके बाद में अपन हाँ सर, देखेंगे। समझ में हाँ आया? सर, हाँ सर, उसके बाद में ये सब आपके 2 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस है। जेनेटिक मैप निकालना है ये आपका, यहां तक ये क्वेश्चन है। ए और डी के बीच में कितना दिया है डिस्टेंस, 8। 8। तो ये ए और ये डी, ठीक है, कितना दिया, 8। बी और डी के बीच में कितना दिया है, 13। तो ये डी और ये आपका बी इसके बीच में डिस्टेंस कितना दिया, 13। बी और डी के बीच में कितना दिया है, 23। सी और डी 23।
अब ए बी के बीच में कितना दिया है? 20 अब ए और ये बी 20 दिया है, इसको ऐड कर लो कितना आता है? 21 आता है, बट यहाँ पे दिया है 20 बराबर। बी और सी के बीच में कितना दिया है? बी एंड सी के बीच में 10 बी और सी के बीच में भी ये आपका सी एंड डी का जो है ये हमें दिया था 23 ना? और अभी बी एंड सी का कितना दिया है? 10 तो सी एंड डी का कितना हो जाएगा आपका 23, मतलब 13 प्लस 10 23 बराबर। तो 23 करेक्ट है आपका, बट यहाँ पे 21 आना चाहिए, बट ये दिया है 20। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैप यूनिट जो है अप्रोक्सीमेटली एडिटिव होते हैं, मतलब 20 के जगह पे 19 और 21 चल जाता है, ठीक है। अब ये वाला ये देखो, ए और बी, ए और सी, ए और डी, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों जीन जो है ये अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हो। 50% रिकॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, मतलब देखो यहाँ पे ए जीन जो है इसका रिकॉम्बिनेशन बी सी डी के साथ में 50 है, मतलब ए आपका अलग क्रोमोसोम के ऊपर है और बी सी एंड डी जो है ये अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, ये बी सी एंड डी। तो ये एक सॉल्व कर लिया अपन ने कि ए और बी सी डी अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए इसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% आ रहा है। अब अपन देखते हैं बी सी डी का जेनेटिक मैप। बी सी डी जो है पहले बी और सी के बीच में कितना दिया है? 20। बी एंड सी के बीच में कितना दिया है? 20। बी और डी के बीच में कितना दिया है? 10। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे अगर अपन 10 लिखते तो ये हो जाता 20 + 10 = 30 बी और डी के बीच में। तो डी को आपको चेंज करना पड़ेगा, डी का पोजीशन चेंज करो, डी को आप लेके आओ इस साइड में। अब देखो बी और डी का 10 लिखा अपन ने, तो डी एंड सी के बीच में कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो देखो सी और डी के बीच में कितना है, तो 28 लिखा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली एडिटिव है ना, 30 आना चाहिए बट दिया कितना है 28। समझ में आया क्या? अपना जेनेटिक मैप क्या हो गया, डी बी सी एंड ए, समझ में आएंगे? Yes. ये सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है, डी बी सी या बी सी डी जो है ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, इसलिए इसको बोला सेम लिंकेज ग्रुप, इट बिलोंग्स टू द सेम लिंकेज ग्रुप। ठीक है, बट डी बी सी एंड ए बिलोंग्स टू डिफरेंट लिंकेज ग्रुप। ठीक है क्या यहां तक? यहां तक ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट 4 मार्क के लिए और इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। अब आपको अगर रिकॉम्बिनेशन समझता होगा तो ये समझेगा,
नहीं समझता होगा तो नहीं समझेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ए प्लस बी प्लस एंड सी प्लस ये तीन जीन अपन ने लिखे हैं, ठीक है। यहां पे लिखा ए माइनस बी माइनस सी माइनस, ये अपन ने ऐसा क्यों लिखा रे कोई बता सकता क्या? ऐसा अपन ने क्यों लिखा? इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि अपन ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, इसको ऐसे लिख सकते क्या? इसको अपन ऐसे लिखेंगे ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी प्लस सी माइनस। चार में से कैसे लिख सकते हैं इसको? चार में से इसको कैसे लिख सकते अपन? इसको ऐसे लिख सकते क्या पहले बताओ? इसको अपन ऐसे लिख सकते क्या? हेलो आवाज देता है? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। हाँ तो इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है।